संजय मिश्रा बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो इंडस्ट्री में आए तो एक्स्ट्रा थे, पर अपनी मेहनत और टैलेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। लगभग 25 सालों के फिल्मी करियर में संजय मिश्रा ने कई उतार चढ़ाव देखे, पर उसके बावजूद संजय मिश्रा ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों के डायलॉग हो, स्क्रिप्ट हो या फिर संजय मिश्रा की लाइट कॉमेडी, पूरा हिंदुस्तान संजय मिश्रा के टैलेंट के कायल है। और अब संजय मिश्रा लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म कामयाब। संजय मिश्रा ने इंडिया टीवी डिजिटल से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अनछुए पहलू शेयर किए। संजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं और इस वक्त हम उस इलाके में आए हैं जहां से हर एक एक्टर की शुरुआत होती है। जी मतलब ये अभी अभी कुछ सालों पहले बना है ये आरामनगर। जैसे शेयर मार्केट के सारे ऑफिस एक ही जगह पे होते हैं, वैसे हम एक्टरों के लिए ये जगह जो इसको आरामनगर कहते हैं, दिल्ली में इसी तरह का एक इलाका भी है मंडी हाउस, जहाँ ज़्यादातर शाम में डायरेक्टर्स एक्टर्स लिरिक्स वाले तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो मतलब ये अपना ही इलाका है। संजय जी आज हम लोग थोड़ी सी यादें ताज़ा करेंगे आपकी, गाड़ी हम यहाँ लगा देते हैं, लेट्स जस्ट वॉक। ग्रेट, मतलब मक्का मदीना काशी काबा जितनी भी चीजें हैं पैदल ही जाना आसान बढ़िया है वहाँ। क्या बात है ना, तो ये हम एक्टरों का सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात कही आपने। आज जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं संजय जी, मन करता है कभी कभी देर शाम या कभी वक्त हो तो एक उन जगहों पर जाओ जहां से आपने शुरुआत की। कभी कभी शाम में यहाँ हमारे ड्रामा स्कूल के कुछ जूनियर सीनियर्स यहाँ ना एक अलग अलग छोटी छोटी जगह बनाई हुई है लोगों ने, मतलब कोई मंडी हाउस नाम से एक बंगलो कर दिया है जहाँ आप नाटक कीजिए, कुछ अच्छे जगह पे खाना भी मिलता है। यहाँ बंगलो का नाम है ओवर एक्ट। ओवर एक्ट, हाँ। यहाँ बहुत सारे मतलब क्या बताएं, और हमारी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हाँ, हमने तो मतलब ये हार्दिक की ख्वाहिश थी कि अगर बम्बई में एक्टर की पिक्चर कर रहे हैं दोस्त तो आरामनगर तो एक शॉट बनता है, एक शॉट बनता है। तो अपना कोई पहला जो दौर था उस वक्त का कोई ऑडिशन याद? एक बार हम केतन मेहता के यहाँ गए थे, केतन मेहता बहुत महान हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ गए थे, कोई फिल्म बना रहे थे जिसमें गांधी भी चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए था, सरदार परेश रावल है ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, केतन मेहता से बहुत प्रभावित थे, तो हमारा ये था कि गुरु जाएंगे तो सब जाएंगे, तू भी चलेगी, तू भी चलेगा तो जाएंगे, नहीं तो भाड़ में जाए ऑडिशन, अकेले नहीं जाऊंगा। तो हमें कुछ एक साथ बैठे हुए थे सब उम्मीदवार शायद कुछ, तो कुछ ऑडिशन था गांधी बनने का था, पहले तो हम आधे ही खड़े हो गए, हमें कौन बनाएगा गांधी और जब कमरे में घुसे ना कम से कम 70 गांधी वहां पे एक साथ ही, हमने कहा ये अब तू कर सर आए तो ऑडिशन दे के जाइए, नहीं 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 देना ऑडिशन, नहीं नहीं दे पाए वो, पहले ही पता चल गया था ना तू देगा गांधी का ऑडिशन। ऑडिशन आपने नहीं दिया था? मतलब पहला नहीं था, वो ऑडिशन ही होते थे वन ऑफ द, तो ऑडिशन के मामले में बहुत सस्ता था मैं यार, ऑडिशन मुझसे कहोगे कि मुस्कुरा दो तो बड़ा मुश्किल है, मिलते हैं सीधे सेट पे ही ना। अच्छा, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का जो सफर था उसमें कौन सा ऐसा दिन आपको बहुत ज्यादा याद आता है आज जब आप पीछे मुड़कर देखें? एक तारीख थी, तारीख तो नहीं याद है, चाणक्य सीरियल था, और मेरे फादर मेरे पिछले लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब मैंने उनको कुछ नहीं दिया था, उन्होंने तो मान ही लिया था ये है ये ऐसा, तो मुझसे फिर जब मैं बम्बई आ गया ना तो उम्मीदों के पाँव भारी हो गए पापा जी के, है ना, लेकिन पहले ही दिन गया था शूटिंग पर, 28 टेक हो गए थे, अब क्या करेंगे, अब क्या लिख के दूंगा चिट्ठी में पापा जी को कि जिस लाइन में जाना चाहता हूँ उसी में 28 टेक हो गए, तो वो बड़ा एक दो दिन जो था ना कि गुरु, पहले एक ही दिन की शूटिंग में डिसाइड होने लग गया था, गुरु सोच लो करना है एक्टिंग करनी है नहीं करनी है, लेकिन एक सिनेमा से जो मोहब्बत था, ठीक है एक्टिंग नहीं करेंगे कुछ तो कर लेंगे, अच्छा भला बोल लेता हूँ, लोग कहते हैं लिख लिया करो तो लिख भी लेंगे। जब आपने पिताजी की बात की, पिताजी के सेहत की वजह से आप बहुत एक बार परेशान हो गए, रोहित शेट्टी वो इंसान थे जिन्होंने आपको वापस रोहित लाने के साथ मैंने काम कर रखा था,
और ऑल द बेस्ट की मतलब कहानी हमें मालूम थी क्या है, और इसी दौरान वो सब हो गया तो मन नहीं किया था जाने का। तो एक डायरेक्टर जब आपकी कास्टिंग करके के बैठ जाता है तो उसको बड़ी तकलीफ होने लगती है किसी और को कास्ट करने में। तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ यार, आ जाओ दोस्त, हो गया मतलब। हाँ, नहीं तो रिग्रेट करेंगे ना, काम करना पड़ेगा। हाँ, काम वहाँ भी शुरू हो चुका था, लेकिन मैं जिस काम के लिए बना था, और ऐसा नहीं था कि शुरुआत हो रही थी मेरी, मतलब ऑफिस गोलमाल ये सब फिल्में आके जा चुकी थी, तब वो एक होना चाहिए यार, हर एक इंसान के अंदर एक चीज़ होना चाहिए, गुरु बहुत हुआ सम्मान, अब थोड़े सन्नाटे में, हाँ अब थोड़े सन्नाटे में बैठते हैं। ये मेट्रो वाली बात आपने बोली थी कि हम जैसों को तो आकर के पहले इस शहर से ही, हमने भी आते ही पास बनवा लिया था लोकल का। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह अपना कोई बुलाए ना बुलाए तैयार होकर के बोरी वाली से बैठो, सीधा चर्च गेट उतरो, दोपहर में एक वो यहाँ का तवा पुलाव बड़ा मशहूर होता था चर्च गेट का, एक जगह का, वो खा लो, शाम 6-7 बज गया, 9 हाँ रूटीन बम्बई देखते रहो, बाद में देखेंगे एक्टिंग जी। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक्चुअली ये जो होता है ना, ये लाइव एक्सपीरियंसेस ही आपको बाद में काम आते हैं, क्योंकि ये तो इकट्ठा करने के बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि यस आई हैव डन दिस। ये जो फिल्म जब प्रोमो आई ना, तभी से लोगों के मन में एक मतलब एक फील गुड आपको भी मिल रहा होगा, रिएक्शन लोगों को। नहीं नहीं सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और संजय जी से सच में मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई उस चीज को पोर्ट्रे कर सकता है, कि मैंने आंखों देखी देखने के बाद, और ऑल द बेस्ट और गोलमाल वगैरह तो हम देख ही चुके, मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम संजय जी जो ऑल द बेस्ट वाले भोंडू जैसिल है और आंखों देखी के बाबूजी जो है, उनको मिला के कैरेक्टर बनाया जाए जो एक्सटर्नल ऐसा है और इंटरनल ऐसा है। कामयाब आपके लिए क्या मायने रखता है? कामयाब शब्द अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव शब्द है। कामयाब शब्द अलग चीज है, कामयाब पिक्चर बड़ी अलग चीज है, लेकिन दोनों एक ही धरातल पे है। कामयाबी का सिर्फ अपने से मतलब होता है। दुनिया जिसको कह रही है कामयाब कामयाब, वो कहीं गर्द में पड़ा हुआ है, वो अलग। आपका अपना पर्सनल होता है, आपका आपकी अपनी एक पहचान, मैं समझता हूँ कामयाबी होती है। जो इस पिक्चर में 499 से 500 जाने का एक जो सफर है, कितना अहम होता है 499, कितना अहम होता है वो, मेक और ब्रेक होता है वो पोजीशन, वो जगह। सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर से आप पूछिए, विराट कोहली से, कि कितना इम्पोर्टेंट होता है 98 99, है जैसे 100 हो जाता है ऊपर देख लेते हैं भगवान, यही मांगा था भाई, और 98 होता है तो आउट होकर ऊपर नहीं देखते कभी, 98 होता है तो ऐसा लग रहा है जीरो पे आउट हो जा रहा है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में भी, मम्मी पापा का 50वां एनिवर्सरी है, 42 में तो ठीक है कुछ भी बना लो, 48 में भी कुछ भी, बट 50वें का जो मजा है राउंड फिगर गोल्डन जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो 499 है वो 500 तक का सफर जो है बहुत ही खूबसूरत हो, आई थिंक इससे उम्मीद के पांव भारी कर गई हैं। आप बोल रही थी आपके ट्रेलर से, हाँ ट्रेलर तक तो ठीक है, अब आगे देखिए सिनेमा का क्या होता है। वही बहुत तो मेरे लिए खुश होगा कि अपने मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी फिल्म रेड चिलीज और दृश्यम मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रही है, और हमें एक बहुत अच्छी रिलीज मिल रही है, क्योंकि हमेशा इंडियन ऑडियंसेस कहती है कि आप लोग वही टिपिकल फिल्में बनाते रहते हो, अब जब हम अच्छी फिल्म बनाई है तो आप बस घर से बाहर पैर रखिएगा और जरूर देखिएगा, और मिश्रा जी आपको निराश नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटी। हार्दिक भी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।